मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग फ्लाई 666। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन हॉरर मूवी के बारे में जो कि साल 2018 में रिलीज हुई एंड जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 4.3 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक फ्लाइट दिखाई जाती है जो कि तेज तूफान के बीच उड़ रही होती है और सभी पैसेंजर्स बहुत डरे हुए होते हैं। फिर फ्लाइट के कैबिन क्रू की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है कि हम खराब मौसम के बीच से निकल रहे हैं, तो कृपया अपनी सीट पर बैठें एंड अपनी सीट बेल्ट बांध लें, बहुत जल्द मौसम ठीक हो जाएगा। वहीं अब एयर हॉस्टेस एलिस भी सेम इन्फॉर्मेशन देती है एंड उनको बताती है कि जैसे ही मौसम सही हो जाएगा तो हम फूड सर्विस स्टार्ट कर देंगे। इसी बीच फर्स्ट पायलट सेकेंड पायलट से बोलता है कि तुमने क्या वेदर रिपोर्ट चेक की एंड मुझे रिपोर्ट दिखाओ, मुझे चेक करना है कि मौसम कब तक सही होगा। फ्लाइट में न्यूली मैरिड कपल भी होते हैं जो कि अपनी फैमिलीज की फोटोज देख रहे होते हैं। तो लड़की डैनी पूछती है तुम्हारे डैड कभी हंसते क्यों नहीं, तो लड़का ब्रैंडन बताता है वो बचपन से ही ऐसे हैं, शायद मैंने बचपन में कुछ कर दिया होगा तभी वो बिल्कुल नहीं हंसते। तो डैनी बोलती है तुम्हारे फैमिली वाले मुझे पसंद नहीं करते, बट ब्रैंडन बोलता है नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी बीच प्लेन्स में सिग्नल आना भी बंद हो जाते हैं। पायलट दूसरे पायलट से बोलता है ऐसा लग रहा है मानो ये तूफान हमारा पीछा कर रहा है। वहीं फ्लाइट में एक पैसेंजर होता है जो कि बहुत परेशान रहता है और वो एयर हॉस्टेस एलिस को बुलाता है। एलिस आती है और वो उससे पूछती है सर आपको क्या हुआ, तो वो पैसेंजर बोलता है आप एक काम कीजिए, आप पायलट को जाकर बोलिए कि वो प्लेन को क्रैश होने से बचा ले प्लीज़। वो बोलती है सर आप फिक्र मत कीजिए, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं एंड ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपके लिए ब्लैंकेट या पानी लेकर आऊँ, वो पैसेंजर बोलता है मुझे मेडिसिन चाहिए। एलिस पूछती है आपका बैग कहाँ पर रखा है, तो वो बोलता है कार्गो यानि लगेज रूम में। तो वो बोलती है सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लगेज रूम में से आपका मेडिसिन लेकर आ पाएं। और वो पैसेंजर बहुत डरता है और बोलता है मैं कैसे कंट्रोल हो जाऊं जब मुझे पता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। वहीं हमें दूसरे पैसेंजर भी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें मेल पैसेंजर आर्मी रेंजर होता है, वो अपने साइड में बैठी लेडी को अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि मैं बहुत महीनों बाद उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता। वहीं इसी बीच हमें एक और मेल पैसेंजर एयर मार्शल दिखाया जाता है जो अपने साथ गन रखा होता है, तो उसके साइड में बैठी लेडी डर जाती है और उसे देखती है। वो उसे बोलता है नहीं आप डरिए मत, मैं डिफेंस में एयर मार्शल हूँ एंड ये मैं परमिशन के साथ लेकर आया हूँ। और फिर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बोलता है मेरा नाम थैडियस है। फिर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है एना। अब हमें दोनों पायलट दिखाए जाते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि सैटेलाइट सेंटर ने हमें ये न्यूज़ पहले नहीं दी, तो दूसरा पायलट बोलता है हो सकता है उनको भी इस बारे में नहीं पता हुआ एंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना तेज तूफान देखा है। अब हमें वही पैसेंजर दोबारा दिखाया जाता है जो बहुत डर रहा होता है, वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है तभी उसे एक साया दिखाया देता है एंड वो डर के कारण अपनी सीट से नीचे गिर जाता है। सभी पैसेंजर उसे देखने लगते हैं और एलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो उनको बताता है कि मैंने खिड़की के बाहर कुछ देखा, वहाँ कोई था, बट एलिस उसे बोलती है सर आप शांत हो जाइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए, बट वो एक्सक्यूज मी बोलकर रेस्ट रूम चला जाता है। सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं और वो एलिस से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो उन्हें बताती है बस सर थोड़ा घबराए हुए हैं इसलिए उनको ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई है। वहीं हमें वो पैसेंजर दोबारा दिखाया जाता है वॉशरूम के अंदर एंड उसे मिरर के पीछे वो साया दोबारा दिखाई देता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। सभी पैसेंजर डर जाते हैं, वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और गिर जाता है और बोलता है मुझे इस प्लेन से बाहर जाना है, उस औरत ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उस औरत को देखा। इसी बीच वहाँ एयर मार्शल भी आ जाता है और वो बोलता है मैं इसे हैंडल करता हूँ, ऐसे केसेस मैंने बहुत हैंडल किए हैं। लियाम बोलता है कि हो सकता है शायद इन्हें पैनिक अटैक आया हो और वो एयर मार्शल उसे गोली खिला के उसके हाथ बांध देता है।
और उसे कोने में बैठा देता है और बोलता है, तुम ठीक हो और हम लोग यहीं पर हैं। अब मौसम और ख़राब हो जाता है तो फर्स्ट पायलट बोलता है, अभी 5 मिनट पहले लग रहा था कि मौसम साफ हो जाएगा। लियाम पायलट को कॉल करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि तूफान की वजह से एक पैसेंजर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड हमने उनके हाथ पैर बांध दिए एंड उन्हें साइड में बैठा दिया है। पायलट बोलता है, अब सब कुछ नॉर्मल तो है ना, और तुम लोग पैसेंजर का ध्यान रखो, हम यहाँ तूफान से लड़ते हैं। अब एलिस केटरिंग व्हील स्टार्ट करती है एंड सभी को पानी देती है। इसी बीच एक लेडी पैसेंजर बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है, और वो उन्हें एक प्रीपेड सैलेड का पैकेट देती है और वो लेडी पैसेंजर सैलेड खाती है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उस खाने में कीड़े पड़ गए होते हैं। लियाम अब जाकर सारे बॉक्स चेक करता है और सभी बॉक्स में कीड़े पड़ गए होते हैं और वो सारे बॉक्स डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं अब पायलट्स को सिग्नल टावर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप लोग लो प्रेशर एरिया में जा रहे हैं और वहाँ से आप लोगों को कैच करना मुश्किल होगा। अब लियाम पायलट को इन्फॉर्म करता है कि जो प्रीपेड सैलेड का पैकेट था उसमें कीड़े पड़ गए हैं और अब फ्लाइट्स की सारी लाइट चली जाती है एंड प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इंजन भी चलना बंद हो जाता है। सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फ्लाइट पूरी स्पीड से नीचे गिर रहा होता है। पायलट्स पूरा ट्राई करते हैं कि इंजन दोबारा चालू हो जाए, पर बहुत मेहनत बहुत कोशिश करने के बाद एक बार इंजन चालू हो जाता है और जैसे तैसे वो प्लेन को नीचे गिरने से रोक लेते हैं और उसको स्टेबल कर लेते हैं। फ्लाइट में लाइट आ जाती है और सभी पैसेंजर थोड़ा शांत हो जाते हैं। वहीं पायलट्स अब एयर होस्टेस को कॉन्टेक्ट करते हैं और उसे बोलते हैं कि हम 4 बजे तक न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे, जब तक पैसेंजर का ध्यान रखो। वहीं अब ऐना को चोट लग जाती है और उसको साफ करने वॉशरूम जाती है। अब हमें वही पैसेंजर दिखाया जाता है जिसके हाथ बांध दिए होते हैं। वो एयर मार्शल से बोलता है कि आपने मुझे क्यों बांधा है। एयर मार्शल बोलता है कि जो तुमने किया था वो सही नहीं था, पर वो बोलता है मैं सच बोल रहा था, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मार्शल बोलता है अभी तुम्हें सिर्फ चुप रहने की परमिशन है। हमें अब एक और पैसेंजर दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देखता है और वही साया उसे भी दिखाई देता है। वो डर जाता है और अपनी खिड़की बंद कर लेता है। दोनों पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं तो पहला बोलता है वेदर रिपोर्ट क्या है, तो दूसरा पायलट उसे बताता है कि रिपोर्ट मैंने चेक की, उसके अनुसार अगर हम अपना रास्ता भी बदलते हैं तब भी हम तूफान के बीच में रहेंगे। वहीं पहले पायलट बोलता है कि तूफान हो या कुछ भी हो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, हम हैंडल कर लेंगे, तुम नज़र सामने रखो। वहीं अब हमें ऐना दिखाई जाती है जो कि वॉशरूम में होती है और इसी बीच लाइट चली जाती है और उसका गेट लॉक हो जाता है एंड जैसे ही लाइट आती है तो उसके गले में एक निशान आ जाता है। वो बहुत चिल्लाती है और पीछे से वही साया उसको खींच लेता है और वो एक लगेज रूम में पहुँच जाती है। एलिस बाहर से गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता, तो वो एयर मार्शल को इशारा करके बुलाती है ताकि कोई और पैसेंजर परेशान ना हो जाए। वो पूछता है क्या हुआ, तो एलिस बताती है ऐना अंदर फंस गई है और गेट लॉक हो गया है। अब सभी पैसेंजर को भी पता चल जाता है और सब डर भरी निगाहों से देखते हैं। वही हमें वो साया दिखाया जाता है जो कि ऐना से बोलती है तुम्हारे प्लेन में एक किलर है। अब एयर मार्शल एक लोहे की स्टिक की मदद से गेट खोल देता है और ऐना बहुत रोती है। एलिस उसे सीट में ले जाती है और मार्शल पूछता है अंदर क्या हुआ था। वो बोलती है वो मिरर, मैंने उसे देखा, वो प्रेग्नेंट थी, पर वो उस पर बिलीव नहीं करता और वो उस पैसेंजर की तरफ देखता है जिसके उसने हाथ बांधे थे। वो इशारा करता है मैं सच बोल रहा था। पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और बातें करते हैं कि हम इस प्लेन में कभी नहीं आएंगे। कोई बोलता है इसमें एक टेररिस्ट है, कोई बोलता है भूत है, और वो आपस में बहस करने लगते हैं। तो आर्मी रेंजर सबको समझाता है ये सिर्फ खराब वेदर के चलते हुआ है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी गई थी और सभी लोग अंदाजा ना लगाएं, इससे सभी पैसेंजर डर रहे हैं। फिर हमें विंडो दिखाई जाती है जहां अपने ही आप मर्डर लिख गया होता है। हमें अब डैनी दिखाई जाती है, वो गाना सुन रही होती है तो उसे एक आवाज़ आती है बदला। वो ब्रैंडन से बोलती है तुमने कुछ कहा, तो वो मना करता है। दोबारा उसे एक आवाज़ आती है कहाँ हो तुम,
मेरी मदद करो। तो वो फिर ब्रैंडन से बोलती है, तुमने ये भी नहीं सुना? वो बोलता है, क्या? तो वो बताती है, कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है। उसे दोबारा एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ब्रैंडन को बोलती है, तुमने चिल्लाया क्या? और उसके कान से खून निकलने लगता है। तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो एलिस वॉशरूम में जाकर मिरर चेक करती है, तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो केविन क्रू के पास जाती है और उन्हें बताती है, प्लेन में कुछ गड़बड़ है। और इतना बोलते ही फ्लाइट में एक झटका लगता है, बट फिर वो स्टेबल हो जाता है। पायलट एलिस को बताता है, तुम संभालो उन लोगों को, मैं सब सही कर दूंगा एंड बाद में पार्टी भी दूंगा। फिर उसी पायलट को आगे कुछ दिखता है, तो वो दूसरे पायलट से बोलता है, तुम्हें वो दिख रहा है? वो क्या है? क्या कोई परिंदा? तो दूसरा बोलता है, इतनी ऊंचाई पर कोई परिंदा नहीं आ सकता। वो दोबारा बोलता है, शायद वो कोई इंसान है। बट दूसरे पायलट को वहाँ कोई नहीं दिखता। पहले पायलट के हाथ कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब गायब हो जाता है। तो दूसरा पायलट बोलता है, अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो मैं फ्लाइट उड़ा लूँ। पर वो मना कर देता है, पर अभी भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब हमें वही कपल दोबारा दिखाया जाता है। डैनी बिना कुछ बोले वॉशरूम तक जाती है और लियाम को बोलती है, दरवाज़ा खुला रखना। वहीं अब ब्रैंडन को एक वीडियो मिलता है। ये वीडियो में एक बच्चा होता है। वो डर जाता है। और अब डैनी वापस आती है और बोलती है, मुझे लग रहा है यहाँ इस फ्लाइट में कुछ गलत है, मुझे मेडिसिन चाहिए। और वो जैसे ही कैबिन खोलती है तो वहाँ से वो भूतिया औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और वो गिर जाती है। पर जैसे ही गिरती है तो वो भी लगेज रूम में पहुँच जाती है। वहाँ उसे वही साया वाली औरत मिलती है। वो बोलती है, किलर है इस प्लेन में, मैं बार बार यही रिपीट करती है। डैनी जैसे ही होश में आती है तो बहुत रोती है। इसी बीच एक पैसेंजर उठता है और बोलता है, तुम कपल ने क्या तमाशा बना रखा है? और सब बहस करने लगते हैं। वो दोनों डिफेंस वाले एक दूसरे से बोलते हैं, हमें सबकी हेल्प करनी होगी। और वो सभी पैसेंजर को अपनी सीट में बैठा देते हैं। और तभी हमें वॉशरूम में से एक हाथ निकलता दिखता है। और फिर पीछे एक औरत आ जाती है जिसकी एक ही आँख होती है। सब बहुत डर जाते हैं। वो धीरे धीरे करके आगे आती है और उंगली से इशारा करती है और गायब हो जाती है। वो एलिस भागती हुई पायलट के पास पहुंचती है और बोलती है, ये प्लेन हॉन्टेड है, प्लेन में सब ने जो देखा, इस प्लेन को अभी लैंड करवाइए। पायलट बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये भूत प्लेन में क्यों आएगा? तो दूसरा पायलट बोलता है, बदले के लिए। उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। वो अपने दूसरे पायलट को मारने की कोशिश करता है और पूरा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सारे पैसेंजर्स सीट से गिर जाते हैं, पर एयर मार्शल कॉकपिट में आ जाता है और दूसरे पायलट को पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाता है। प्लेन फिर एक बार स्टेबल हो जाता है। मार्शल अब सबको बताता है, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, यहाँ भूत है। फिर सभी पैसेंजर अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, उन्होंने क्या देखा इस प्लेन में। वहीं अब दूसरा पायलट होश में आ जाता है। सभी बात करते हैं, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एना बताती है, वो औरत मुझे बाथरूम से खींच के कार्गो में ले गई थी। सेम यही चीज़ डैनी के साथ भी हुआ था। दोनों बोलती हैं, हमें कार्गो जाना चाहिए। मार्शल बोलता है, मैं अकेला जाऊंगा कार्गो में। और फिर आर्मी रेंजर भी बोलता है, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बीबी बच्चे से मिलना है। एलिस सभी को ले जाती है। सभी को वहाँ बहुत सारी भूतिया औरतें दिखती हैं और गायब हो जाती हैं। और आगे उन्हें एक बैग मिलता है और बैग में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और चाकू भी होता है। तो ब्रैंडन बोलता है, ये बैग किसका होगा? मार्शल नाम चेक करता है। और फिर सब हमें ऊपर दिखाई देते हैं पैसेंजर के पास, जो कि बैग हाथ लेकर आते हैं और सीधा कॉकपिट में चले जाते हैं। और पायलट से पूछते हैं, ये सब क्या है? मार्शल पूछता है, तुमने इन औरतों का मर्डर क्यों किया? पर वो मना करता है, मैंने नहीं किया। और मार्शल अपनी गन निकालता है, तभी पायलट प्लेन को टर्न ले लेता है और सब अपनी जगह से गिर जाते हैं। सारे पैसेंजर डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। वहीं अब वो आत्मा एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर में चली जाती है। सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं, बदला बदला। और अब वो आत्मा डैनी में आ जाती है, जो कॉकपिट में ही रहती है। और वो पायलट का गला दबाने लगती है और चिल्लाती है, बदला। वहीं दूसरा पायलट आके फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एयर मार्शल पहले पायलट को ले जाता है और उसके हाथ बांध देता है।
वो बोलता है मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वही प्लेन में दोबारा झटका लगता है और वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो पायलट मार्शल को मार के गिरा देता है और अपने हाथ खोल लेता है। और अब हमें वही आत्मा दोबारा दिखाई जाती है, साथ में अपना बच्चा भी लिए हुए होती है। वो धीरे धीरे पायलट के पास जाती है और हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये पायलट इन सभी औरतों को मार रहा होता है और वो सभी से माफ़ी मांगता है और रोता है और सब गायब हो जाती हैं और उसकी लड़ाई मार्शल से हो जाती है। मार्शल को बचाने के लिए ब्रैंडन भी आ जाता है पर वो पायलट दोनों को मारता है। अगले ही सीन में वो सभी औरतें दोबारा दिखाई जाती हैं और उसकी शक्तियों से पायलट अपने आप को ही गोली मार लेता है और वो उसे खींच कर ले जाती हैं। और अब फ्लाइट न्यूयॉर्क पहुंच ही गया होता है पर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके विंग्स बिल्डिंग से टकरा जाते हैं और फ्लाइट ज़मीन से घिसट जाता है और कुछ देर बाद रुक जाता है और सारे पैसेंजर्स बच जाते हैं और कहानी का दी एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ़।